से हमने लास्ट टाइम, ये मैंने आपको लेक्चर जो है हम जो पढ़ रहे हैं फिश 12 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 12वां चैप्टर फिशेस के ऊपर, तो यहाँ तक लास्ट टाइम हमने आपको याद हो तो हमने जो जो पढ़ा था वो यहाँ तक पढ़ा था कि ये पहली क्लास का लिथिप्लेकोडर्मी कौन रिच हाइएस्ट, इसकी दो क्लास में थी, एलास्मोब्रांची एंड होलोसेफली, ये भी कर ली थी, और तीसरी हम इसकी मेजर जो क्लास है ऑस्टियोइच थायस, ये इसकी इसमें से हमने एक क्लास पढ़ी थी जी कैंथोडियाई, ये हमने क्लास पढ़ी थी, उसके आगे फिर कह लें कि अल्ट्रा क्लासेस जो सब क्लासेस पढ़ी जी। अब जो है यहाँ से आगे हमने यहाँ से एक्टिनोपटेरिडियाई, ये हम यहाँ से आगे शुरू करने जा रहे हैं, तो ये सब क्लास जो हमारी एक्टिनोपटेरिडियाई जो है क्लास है इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये इसके अंदर जो है जो फिशेज हैं उनको हम रे फिशेज या हम रे फिन फिशेज कहते हैं, ये ऐसे फिशेज हैं इनके अंदर जो है जिस तरीके से आपने पीछे ये गौर किया हो कि ये देखें लोब्ड वाली यानी कि बड़े लोबदार मोटे मोटे फिन उनके थे, इस तरह के फिन जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है, सिंपल सिंपल किस्म के फिन हैं इसके अंदर, वो एक तो ये इससे डिफरेंशिएशन है इस क्लास से ठीक है। दूसरा ये है कि इनके अंदर वो लोब किस्म के मस्कुलर किस्म के वो लोब नहीं थे, वो जो फिन्स थे वो नहीं थे। इसके अलावा इनके अंदर एक और खूबी है कि इनके अंदर स्विम ब्लैडर भी है, स्विम ब्लैडर की वजह से क्या होता है कि ये आसानी से तैर सकती है, दूसरी जो पीछे हमने पढ़ी है जो पिछली क्लास में वो तैर नहीं सकती, यानी कि स्विम करती रहे तो वो ठीक है, जब वो रुक जाए तो मीन वो सिंक होना शुरू हो जाती है, ये अगर रुक भी जाए मीन के नहीं भी तैरना चाहे तो ये डूबती नहीं है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर स्विम ब्लैडर होता है, स्विम ब्लैडर गैस फिल्ड होता है, अपनी स्पीड के हिसाब से वो अपनी गैस फिल कर देती है, जितनी ज्यादा स्पीड रखनी है उतनी गैस कम रखें, जितनी ना हो जस्ट स्विम करना है तो यानी कि मूव नहीं करना तो फिर ये गैस ज्यादा रखती है, उस हिसाब से ये है कि ये इसकी तैराकी में हेल्प आउट करते हैं। तो ये इसकी डॉर्सल वाल के ऊपर ऊपर वाली साइड के ऊपर ये आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, इस तरीके से होता है ये इसकी शक्ल के अंदर। अच्छा इसमें से आगे ये एक्टिनोपटेरिडियाई अभी हम ये क्लास पढ़ रहे हैं ठीक है ना, तो इसके अंदर मजीद आगे दो क्लासेस में या इसको कह लें कि दो अल्ट्रा क्लासेस में या सब क्लासेस में इस क्लास को जो भी हमने पीछे देखी है एक्टिनोपटेरिडियाई जो है इसको कौन रोक सी और नियो ट्रिविया, इसको आगे मजीद दो सब क्लासेस में या अल्ट्रा क्लासेस में कह लें या आपकी किताब में मेंशन है, ये मैंने तस्वीरें सिर्फ इसलिए शो की हैं जिससे आपको याद करना आसान होगा, इसको सब क्लासेस को और फिर उसके बाद उसकी अल्ट्रा क्लासेस को आगे याद करना आसान होगा। इसमें से कॉन्ड्रोस्टियन की बात करें तो ये कहते हैं कि ये बड़ी सारी स्पीशीज थी, यानी कि कह लें कि काफी सारी स्पीशीज थी जो अलाइव थी मुख्तलिफ पीरियड के दरमियान, परमियन पीरियड के दौरान, जुरासिक पीरियड के दरमियान, तकरीबन 215 से लेके 120 मिलियन ईयर अगो तक, मगर इसमें से मोस्टली स्पीशी अब खत्म हो गई, सिर्फ कहते हैं कि जी 25 के राउंड को इसकी स्पीशी मौजूद है। इसके अंदर क्या था कि बोनी स्केल्टन, इसके सेस्टर के अंदर अगर इनका देखा जाए तो बोनी स्केल्टन था, जिसकी तरीके से हमने पीछे जो हमने डिफरेंट फिशेज पढ़ी है उनके एक्सटर्नल और बोन से बना हुआ वो स्केल्टन था, मगर इनके अंदर क्या है कि इनके अंदर कार्टिलेजियस स्केल्टन है, कार्टिलेजियस स्केल्टन मैंने बताया था कि कार्टिलेज क्या होता है कि बोन नुमा स्ट्रक्चर होते हैं मगर वो सॉफ्ट बोन होती है, स्ट्रेचेबल बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अलावा इसके टेल के ऊपर एक बड़ा सारा लोब भी है, एंड के ऊपर जैसे कार्डल फिलामेंट्स या कार्डल कहते हैं वो लोब या कार्डल फिन्स भी कहते हैं जो एंड के ऊपर ये जो है इसके ऊपर ये इसके एंड पे यहाँ पे ठीक है। इसके अलावा ये इसमें दो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इस क्लास के अंदर, इसमें से एक है जी स्टर्जन और दूसरी है जी पैडल फिश, एक है स्टर्जन और दूसरी है जी पैडल फिश। स्टर्जन जो है ये ओशियंस के अंदर, समुद्रों के अंदर, सीज के अंदर रहते हैं, मगर माइग्रेट जो जब इन्होंने रिप्रोड्यूस करना होता है तो फिर ये माइग्रेट करके दरियाओं में फ्रेश वाटर में आ जाती है। इसके अलावा कुछ फिशेज ऐसी भी हैं जो फ्रेश वाटर में रहती है, मगर इसके बावजूद जो है इनका जो माइग्रेटरी बिहेवियर है ना, ये माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेश करना ये करती हैं। इसके अलावा इनकी जो स्पेशली जो
बॉडी के ऊपर बोनी प्लेट्स होती हैं जिनको हम स्ट्यूट्स कहते हैं। ये आपको ये पार्ट नजर आ रहे हैं, ये इसकी साइडों पे भी होते हैं, इसके ऊपर वाली साइड पे भी और स्पेशली इंटीरियर साइड के ऊपर, और इसके दूसरे जो है एग्स जिनको हम कैवियर्स कहते हैं, इसके एग्स हैं जो बड़े कीमती किस्म के, उससे कई सारी चीजें बनती हैं जो इसके एग्स हैं। इस वजह से इसकी ओवर फिशिंग बहुत ज्यादा होती है। ओवर फिशिंग मीन के जो सयाह जो मछलियां पकड़ने वाले फिशरमैन है वो इसके लिए बड़ी इसकी तलाश करते हैं, तो इस वजह से भी शायद ये एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तो ये देखेंगे ये जो स्क्यूट्स आपको ये बोनी प्लेट्स ये देखें ऊपर वाली साइड पे भी हैं, साइडों पे भी हैं, ये आपको नजर आ रही है। इसकी टेल्स के ऊपर स्केल्स भी होते हैं, स्पेशल किस्म के स्केल्स भी होते हैं, ये आपको मुख्तलिफ किस्मों में नजर आएंगे। ये आप इसकी जो आप मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं कि ये, और इसके जो ना एक और खूबी है कि इसके ये माउथ की निचली साइड के ऊपर तकरीबन चार बार पर या विस्कर या आप मूछे से कह लेंगे वो मूछे से टाइप से होते हैं। ये कब होती है कि ये जब मडी वाटर में या डार्क वाटर में मूव करती है तो वहां पे इसको वो फूड को स्मेल करने में, फूड की स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि जब इसे बहुत ज्यादा गहरे पानी में या डार्क वाटर में चली जाए जहाँ पे नजर ना आता। इसका हेड जो है इस तरीके से फ्लैट घुमा हो गया, इसके माउथ जो है वो निचली साइड के ऊपर प्रोट्रूजेबल माउथ होता है। प्रोट्रूजेबल माउथ का मतलब क्या है कि जो बाहर भी निकल सकता है, कि अगर इसने कोई बॉटम से चीज पिक करनी है तो वो माउथ से वो स्ट्रक्चर से बाहर निकलेगा और चीज को पिक कर लेगा। ये देखें जी ये इसके बार्बल, ये फिश है, ये स्पिन फिश है और ये इसके चार बार्बल है, और ये इसका माउथ पार्ट देखें ये सामने की तरफ नहीं है, निचली तरफ है, वेंट्रल साइड के ऊपर है और ये प्रोट्रूजेबल है, इसमें से वो चीज जो उसने पिक करनी है वो निकल आता है उससे, ठीक है। तो ये आप इसके फिन्स भी देखते थे कि वो बड़े बड़े लोग फिन्स नहीं है जिस तरीके से जो पिछली फिन्स में थे। तो इसको लेग स्टर्जन ये कार्टिलेजनस फिश है, इनके अंदर मैंने कहा था कि रोज आप बोनी स्क्यूट्स ये जो बोनी स्केल पाए जाते हैं, शार्क लाइक इसकी टेल होती है और सकर माउथ पार्ट होता है, जिस तरीके से कहा विस्कर, ये विस्कर में बता चुका हूँ, ये जो बार बनते हैं चार होते हैं इसकी जो है। दूसरी इसके अंदर जो दूसरी क्लास है या दूसरी कह लें कि अल्ट्रा क्लास है वो पैडल फिश या दूसरे ऑर्गेनिज्म इसी सब क्लास के अंदर जो पाए जाते हैं वो है ये पैडल फिश, ठीक है यार। और पैडल फिश जो है ये इनका जो स्नाउट आगे लंबा सारा जो है रोस्ट्रम या स्नाउट सा ये पाया जाता है इसका, और इसका माउथ खुला रहता है, इसका माउथ खुला रहता है और माउथ खुला रहने से जैसे ये मूव करती है तो ये जितने भी प्लांकटन वगैरह जितने भी कह लें कि कई सारे क्रस्टेशियंस वो इसके माउथ में जाते रहते हैं और ये अपने गिल्स के थ्रू उनको फिल्टर करती रहती है, समझ लें कि ये फिल्टर फीडर है। और इसके अलावा जो है ये जो लंबा सारा स्नाउट है ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कह लें कि डिटेक्ट कर सकते हैं, इसकी डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो है जिस तरीके से पीछे हमने फिशेज पढ़ी थी कि जो वीक इलेक्ट्रिक करंट भी पैदा कर सकती है, ठीक है। तो ये इसका आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, पैडल फिश हम क्या कहते हैं, इसका लंबा सारा स्नाउट होता है, इसके स्केल बहुत कम सारे होते हैं और इसके जो है फ्लैप होता है एट द एंड ऑफ अपरकुलम, एक फ्लैप मीन की ये जो इसके गिल्स है ना गिल्स के ऊपर एक फ्लैप नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें टीथ ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो इसका लॉन्ग नोज गार इज कवर्ड विद गैनॉइड स्केल, इसके ऊपर कई तरह के जो गैनॉइड स्केल होते हैं वो आगे इसका स्ट्रक्चर आता है कि वो कैसे स्केल होते हैं। ये दो फिशेज दिखाई गई हैं पैडल फिश, ये अमेरिकन है, ये चाइनीज जो पानी है ओशियन समुद्रों में पाए जाते हैं वहां उनके करीब, ये ही दिखाई गई है। एक और क्रेज इसका ये देखिए माउथ पार्ट और माउथ पार्ट जैसे मूव करती रहती है, जितने क्रस्टेशियन और इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं वो इसके माउथ में जाते रहते हैं और पानी निकल जाता है और वो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि इसको इसलिए हम फिल्टर फीडर भी कहते हैं। सर हमें आप बुक के पीडीएफ से काइंडली बना दिया करें, इधर से हमें समझ नहीं आती थी बुक जब हम लोग खोलते हैं क्या करते हैं। यस सर जी सर यहाँ से समझ नहीं आती सर, बुक से पढ़ा दिया करें। नहीं बुक से, ये बुक वाली चीजें हैं, ये जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ ये आप अपनी बुक खोल के अगर देखें ना तो बिल्कुल बुक से वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पे हैं और हर स्लाइड वाइज वैसे ही है। मैंने आपकी बुक को सामने रख के ना
तो उसी हिसाब से स्लाइडें बनाई होंगी। ये नहीं है कि स्लाइडें से कहीं से मैंने कहां से उठाया, आप अगर उठा के देख लें, अभी आप अपनी बुक खोले ना, सबसे पहले अभी मैंने स्टर्जन्स का बताया, तो स्टर्जन के जो करेक्टरिस्टिक्स आपने बुक में लिखे वो ऑलमोस्ट यही चीज है। और आगे मैंने आप पैडल फिश शुरू किया, आगे मैं इससे आगे फिर इंफ्रा क्रास आगे शुरू करूंगा आपसे, और आगे शुरू हो जाएगी। सिर्फ ये है कि इसमें स्लाइडों से समझ बेहतर आ जाती है, कई सारे जो पॉइंट हैं ये तस्वीरें दिखाने से, अब मैं आपको वैसे ही पढ़ाई जाऊँ लैब पैडल फिश ऐसी होती है वो आपको समझ नहीं आनी। इससे ये कि यह सामने तस्वीर है और तस्वीर से आपको हर चीज है वो क्लियर भी हो जाती है, और कुछ चीजें होती हैं जैसे टेबल होती हैं, कुछ चीजें या अभी जैसे वो इसकी क्लासिफिकेशन की वो डिवीजन की हुई है, वो चार्ट इस तरह के तो आपके बुक में तो नहीं बनेंगे। बाकी आप पढ़ें, इसमें कोई समझ ना आए तो ग्रुप में डिस्कशन किया करें, ये नहीं कि मतलब मैं हर क्लास में एट द एंड पूछता हूँ कि जी कोई क्वेश्चन है कोई है, तो वहां पे तो बोलते नहीं, ठीक है, या बाद में भी चले आप नहीं समझ आई एक दिन पढ़ के बाद में पूछ लें फिर भी कोई मसला नहीं, फिर भी कोई नहीं पूछते, तो ये थोड़ा सा किया करें। अच्छा जी, इसमें जो सेकंड ग्रुप है, अदरवाइज मुझे तो ये एक दिन का लेक्चर बनाने में ना 60-70 स्लाइडें ढूंढने में कुछ एक दिन लग जाता है, कोई 4-6 घंटे लग जाते हैं, ये काम तो मुश्किल है, मगर ये मैं इसलिए करता हूँ कि आपको ये चीजें जो है वो समझ आ जाए। अच्छा जी, सेकंड ग्रुप जो है इसके अंदर हमने एक तो अभी हमने एक्टिनोक्रीडियाई वो मैंने आपको पढ़ाया, उसमें अभी हमने पढ़े जी के जो है दो ग्रुप हैं, उसमें जो पहला ग्रुप था वो अभी हमने पढ़ा था के जो कॉन्ड्रोस्टियन जो थे, और दूसरा है नियोक्रीकी जिसके अंदर जो सेकंड ग्रुप है इस क्लास के अंदर एक्टिनोक्रीडियाई क्लास के अंदर है, तो इसके अंदर दो ही प्रिमिटिव जेनरा है जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं, उनमें से एक जेनरा है उसको के अंदर जो फिशेज पाए जाते हैं उसको कहते हैं गार पाइक, क्या कहते हैं गार पाइक, और दूसरी जो फिशेज पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं डॉग फिन या बो फिन, ठीक है। जो गार पाइक है ना इसके जो जबड़े जो हैं वो लंबे सारे होते हैं, यहाँ से लेके इसका जाल यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये ऐसे बड़ा सारा चौड़ा सारा मुंह खोल लेते हैं जिस तरह वो ड्रैगन और खोलती वो डायनोसॉर आपने देखा होगा कि चौड़ा सारा मुंह खोल के तो बंदे को निगल लेती है, इस तरीके से अपने चौड़ा सारा जबड़े खोल के तो किसी भी जो छोटी फिशेज हैं उनको पकड़ लेती है। ये डॉग फिन है, डॉग फिन का माउथ थोड़ा छोटा होता है मगर वो दूसरे होते हैं, ये तस्वीरों में आगे आप देखें। ये जी एलिगेटर गार मीन गार पाइक, ये जो गार पाइक फिश का जो कह रहा ना एक जेनर है, दो जेनर है टोटल प्रिमिटिव जेनर है फ्रेश वाटर के अंदर रहते, और ये गार पाइक में ये देखें तो ये इसके ये जबड़ा है सारा टोटल, ये आपको नजर आ रहा है इसके जॉज हैं, और ये जॉज को खोल के जिस तरीके से वो डॉल्फिन के आपने देखे होंगे जो डॉल्फिन के थोड़े छोटे होते हैं इसके लंबे होते हैं, ठीक है। और ये एक है, दूसरी है ये डॉग फिन या बो फिन, ये देखिए इसका माउथ पार्ट दूसरी फिशेज की तरह ये थोड़ा सा चौड़ा सा है और वो है, ठीक है। अब जो है अब हम इसकी ओर से दो लिखे हुए हैं जिंदरा के नाम भी लिखे हुए हैं इसके साथ, अगर आप अपनी किताब देखें तो उसमें एक किताब में लिखा है लेपियो लेपिसो सटियस गार पाइक, इसके जिंदरा का नाम है, तो जो दूसरी मैंने बताई बो फिन या ये बताई आपको डॉग फिश, ये जो है इसको एमिया एमियस को इसको उसमें लिखा हुआ है आपकी किताब में। इसके अलावा इसके बाद जो अगली आती है हमारी टेलियो स्केल्स, किसी ने न्यूरोट्रेगियाई के अंदर जो सबसे कह लें कि अबंडेंट किस्म का ग्रुप है उनको कह लें टेलियोस टेलियोस जो है टेलियोस जो है या मॉडर्न डे बोनी फिशेस। अच्छा, हमने अभी जो इस क्लास के अंदर पिछली जितनी फिशेज पढ़ी हैं एक्टिनोक्रीडियाई के अंदर वो सारी की सारी कौन सी फिशेज थी जिसके अंदर कार्टिलेजन पाया जाता है, कार्टिलेजन उसका स्केल्टन है, कार्टिलेजनस मीन होता वो बोन की तरह का स्केल्टन है मगर वो हार्ड किस्म की बोन नहीं होती, स्ट्रेचेबल बोन होती है जो जस्ट लाइक जिस तरह कोई कह लें कि मूव जिसको आप बेंड कर सकते हैं उसको बेंड भी कर सकते हैं, तो ये जो है ये थोड़ा सा कह लें कि स्पेशल बोन्स होती हैं जिसको आप कह लें कि मूवेबल नहीं होती, ठीक है। तो ये आजकल की जितनी भी फिशेज आपको नजर आ रही हैं या आपके पानियों में मिलती हैं या आप खाते हैं वो सारी ये फिशेज हैं जिसको हम टेलियोस कहते हैं, तो ये एक्चुअली फिशेज हैं, ये आपको मुख्तलिफ रंगों में मुख्तलिफ किस्मों में आप ट्राउट ले लें, बड़ी सारी फिशेज हैं जो बोनी फिशेज आजकल जितनी भी मिलते हैं इनके मुख्तलिफ नाम हैं,
ट्राउट, सलमन, कैटफिश, सी हॉर्स, ऐसी बड़ी सारी फिश है जिनके आपको नाम आते हैं मोस्टली। तो इनके अंदर दो तरह के स्केल होते हैं, साइक्लोइड और दूसरे जो है सिटिनॉइड स्केल, जिनके ऊपर दो तरह के स्केल होते हैं। जब आप रेडी वाले के पास जाते हैं उसे कहते हैं जी मुझे फिश दो, तो वो स्केल सा वो उतार के देते हैं, एक्चुअली यही स्केल होते हैं उसकी। वो होते कैसे हैं, वो इस तरह के होते हैं, ये सिटिनॉइड स्केल हैं और ये जो है साइक्लोइड स्केल हैं। ये दोनों इन फिशेज में पाए जाते हैं, किसी में ये पाए जाते हैं, ये देखें आपने ये देखें, किसी में ये थोड़े से नोकीले से नोकदार से होते हैं। ये मुख्तलिफ फिशेज मुख्तलिफ किस्म के स्केल्स पाए जाते हैं, इनमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं क्लाउन, फ्रिगर, एनीमो फिशेज, सेल्फन फिशेज, लाइन फिश, ये मुख्तलिफ फिशेज जो हैं। इसके अलावा जो हैं गम्बोशिया फिश, मैंड्रिन गम्बोजी, ये चांद एक एग्जाम्पल लिखे हैं। सी हॉर्स ये भी फिश ही होती है, ये एक और तरह का ऑर्गेनिज्म लगता है हमें, ये सी हॉर्स होता है, ये भी ओशियन वाटर में। ये सी ड्रैगन्स, पाइप फिशेज, ये एंकर फिश, स्वॉर्ड फिश जो हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की फिशेज हैं। बहरहाल इनका ओवरऑल जो टिपिकल इन सारी जो बोनी फिशेज का जी मार्फॉलोजी है, जो स्ट्रक्चर है, वो ये होता है, ये इसका पावर, ये इसके गिल्स हैं और उसके ऊपर एक कवर्स है जिसको हम फ्लैप नमा सकते हैं, जिसको अपरकुलम कहते हैं। ये एंटीरियर डोर्सल फिन है, ये पोस्टीरियर डोर्सल फिन है, ये कार्डल फिन है, ठीक है, ये एनल फिन है, ये पेल्विक फिन है, ये पेक्टोरल फिन है, इनके मुख्तलिफ काम होते हैं। ये आगे उसने थोड़ा सा डिफरेंसेस लिखे हैं, ये डिफरेंसेस दोनों क्लासेस के, एक कार्टिलेजियस फिशेज के कॉन्ड रिच थाइस और दूसरी ऑस्टिच थाइस, ये दो फिशेज हैं। ये दोनों क्लासेस के एक्चुअली इसने डिफरेंसेस लिखे हुए हैं कि ये सिर्फ मैरीन में पाई जाती हैं समुद्री पानी में, ये फ्रेश वाटर भी हैं मैरीन भी हैं। इसमें एक्सोस्केलेटन जो है प्लेकॉइड स्केल होते हैं, इनमें रंगदार कई तरह के स्केल होते हैं, गेनॉइड स्केल, साइक्लोइड, सिटिनॉइड, कॉस्मोइड, मुख्तलिफ किस्म के स्केल होते हैं, सिर्फ इसमें एक किस्म के होते हैं। कार्डल फिन की बात करें तो कार्डल फिन जो है इसके अंदर अपटर्न्ड होता है और एसिमेट्रिकल होता है। कार्डल फिन मीन जो एंड वाला, सबसे एंड वाला आपको नजर आता है ना, उसकी कोई सिमेट्री नहीं होती। इसके अंदर जो है जो पाए जाते हैं इनकी एक खास सिमेट्री होती है, वो आपको एक स्पेसिफिक शेप में नजर आता है, सभी फिशेज में उसी तरह का होता है। इसी तरीके से माउथ की बात करें तो इसका माउथ पार्ट जो है निचली साइड के ऊपर होते हैं और इनके ऑस्टियोस्ट्राइस के, इनके बोनी फिशेज के, इनके सामने वाली तरफ है, जिस तरीके से आम आपको माउथ पार्ट नजर आते हैं। और पर्कुलम ये जो गिल्स के ऊपर होता है कवर सा फ्लैप सा, ये इसमें होता नहीं है, ये इसमें होता है, ठीक है। स्पाइकल की बात करें तो रे और सम शार्क्स के अंदर जो है ये जो स्पाइरिकल पाए जाते हैं जस्ट बिहाइंड द आईज, तो इसमें स्पाइरिकल ओपनिंग जो है वो होती नहीं है, यानी कि इनमें स्पाइरिकल्स नहीं होते। जो क्लैस्पर की बात करें, ये शार्क्स आप देखे होंगे, कभी आपने पानी में देखा हो, वीडियो देखी हो, तो वो दो घंटे बाद शार्क निकलती है तो वो स्पाइरिकल्स को खोलती है, तो वो जो फ्रेश पहले से ट्रैप हवा है वो बाहर निकल जाती है और फ्रेश ऑक्सीजनेटेड एयर जो है वो अंदर चली जाती है, वो फिर दो घंटे अंदर रहती है फिर बाहर आती है, तो इस तरीके से इनका कमर। जबकि इसमें स्पाइरिकल फिन्स होते ही नहीं, ओपनिंग होती ही नहीं, ये पानी वाली जो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है ना वो लेती है। क्लैस्पर मीन के ऑपोजिट सेक्स को पकड़ने के लिए कुछ कह लें कि इनके पास होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं मेल के ऊपर कि वो फीमेल को पकड़ने के लिए जब वो मेटिंग कर रहा होता है ना, आपस में सेक्स कर रहे होते हैं, उसको आपस में पकड़ने के लिए ये क्लैस्पर स्ट्रक्चर जो है वो इनमें पाए जाते हैं, इनमें नहीं, इस क्लास में नहीं। एंडोस्केल्टन की बात करें तो इसमें एंडोस्केल्टन कार्टिलेजिनस है, मेम्ब्रेन बोन्स पाई जाती हैं इसके अंदर, तो ये जो इसके अंदर मोस्टली बोन्स पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन बोन्स इसके अंदर जो है वो एब्सेंट होती है। इंटेस्टाइन की बात करें तो शॉर्ट होता है और इसके अंदर इसका ल्यूमन कंटेन कॉम्प्लिकेटेड स्पाइरल वॉल होते हैं, इसके अंदर लॉन्ग एंड डिवाइड आर स्पाइरल वॉल, इसमें स्पाइरल वॉल नहीं होता। कलोकोआ ये अब्डोमन के एंड वे एनस से पहले एक चैम्बर नुमा स्ट्रक्चर होता है, इस चैम्बर के अंदर यूरिनरी सिस्टम भी खुलता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उसका जो है वो जेनिटल सिस्टम भी है, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो भी इसी के अंदर खुलते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसी के अंदर खुलते हैं, इसको इस चैम्बर को हम कलोकोआ कहते हैं, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये में ऐसा चैम्बर मौजूद नहीं होता।
स्लिम ब्लैडर इसमें नहीं होता, इसमें होता है ये आपके बुक पे लिखा है वहीं से लिया हमने, कहीं और से नहीं लिया। एस्टिमेशन होता है सिंपल, ये आपके बुक में लिखा हुआ एक डिफरेंस। समर स्लीप एस्टिमेशन कहते हैं समर स्लीप को। समर स्लीप को मतलब क्या होता है कि जब ये देखें आप दोपहर है ना, गर्मी है, तो गर्मी में जितने भी जानदार हैं, चाहे सांप हो, स्नेक हो, चूहा हो, माउस हो, तो वो क्या करते हैं कि गर्मी से बचने के लिए जो दोपहर 11-12 बजे से लेके शाम 4-5 बजे तक का टाइम, असर तक का टाइम होता है, वो बहुत गर्म टाइम होता है। इस टाइम से बचने के लिए क्या करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म, चाहे इंसेक्ट हो, अर्थवर्म हो, बीज हो, सेलामेंडर, फ्रॉग, टोड, लिजर्ड, जो भी, ये क्या करते हैं कि ठंडी सायादार जगह पे चले जाते हैं और वहां पे टाइम गुजारते हैं जब तक कि मौसम जो है ठीक ना हो जाए, यानी कि गर्मी कम ना हो जाए। जस्ट लाइक ह्यूमंस, हम क्या करते हैं कि 10-11 बजे तक जो सामान खरीदना हो लेके आ जाते हैं, फिर असर तक घर से निकलते नहीं। इसको हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। और हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप। विंटर स्लीप होता है कि जब ये सर्दियों में कई सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो गर्म जगह पे चले जाते हैं, जैसे सांप हैं, चूहे हैं, ये छिपकलियां हैं, आपने देखा होगा कि ये क्या करते हैं कि सर्दियों में बिलो द ग्राउंड, गर्म बिलो द ग्राउंड जमीन में चले जाते हैं और वहां पे अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत स्लो डाउन कर लेते हैं। और स्लो डाउन करने से क्या होता है कि वो ऑलमोस्ट फीड ना भी करें तो मरते नहीं, ठीक है, ऐसी स्लीप में चले जाएं जहां पे उनका बॉडी वर्किंग नहीं कर रहा होता, ठीक है, या कर भी रहा हो तो ना होने के बराबर स्लो डाउन कर रहा होता है। तो ये जितने भी कोल्ड ब्लडेड, या कोल्ड ब्लडेड तो सारे करते हैं, वार्म ब्लडेड भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म ये करते हैं, तो ये इसके डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा जो है फिश के अंदर मूवमेंट की क्यों जरूरत है, मूवमेंट करती क्यों है फिश जो है, फिश जो है वो स्विमर है और अपनी मूवमेंट को अगेंस्ट द करंट के, वाटर करंट जो है ये कंट्रोल कर सकती हैं, जिसको ये इनको इस हैबिट को, इस बिहेवियर को हम कहते हैं नेक्टोनिक, ठीक है। तो ये जो है इसकी रीजन क्यों करती है, ये दो वजह से अपनी ये मूवमेंट करती है, एक तो फूड को तलाश करने के लिए, फूड की तरफ जाने के लिए, और दूसरा प्रीडेटर से बचने के लिए भी ये मूवमेंट करती हैं जो फिशेज हैं जो तैरती हैं। अब अच्छा जी, इसके अंदर आप कहेंगे सर कि अगर ये काम करती हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ अडेप्टेशन भी होंगी कि जिन अडेप्टेशन की वजह से ये बड़ा परफेक्टली स्विम कर सकती हैं फिशेज। तो उसमें से सबसे पहला जो होती है इसमें जो है लोकोमोशन की बात करें तो इसमें से सबसे पहले जो है अडेप्टेशन है वो इसकी स्ट्रीम लाइन बॉडी है, ठीक है, स्ट्रीम लाइन बॉडी है कि ये पानी के मूवमेंट में है, इतना पैदल चलने में हमारी एनर्जी ज्यादा लगती है, मगर फिश की पानी में तैरने, हालांकि पानी जो है वो रेजिस्टेंट पेश करता है, अब पानी में तैरें ना तो आपको कितनी रेजिस्टेंस होती है, मगर फिश को नहीं होती, क्यों, कि उसका बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइन आगे से भी पतला है, पीछे से भी पतला है, तो वो पानी की इतनी उसको रेजिस्टेंस नहीं होती। दूसरा ये होती है इसकी दूसरी अडेप्टेशन ये है कि ये म्यूकॉइड सेक्रीशन, कि अपनी बॉडी से सेक्रीशंस क्रिएट करती रहती है, इसकी स्किन हमेशा लुब्रिकेटेड रहती है उन सेक्रीशंस की वजह से, जैसे आप तेल लगा के, या आपने देखा होगा कि वो बॉडी के ऊपर ऑयल लगा लें और पानी में मूव करें, या आप वो आपने देखा होगा कि आपको एक स्पेशल स्विम सूट मिलता है, जो स्विमर्स होते हैं वो स्पेशल एक स्विमर सूट पहनते हैं जिससे आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा सा वेट रहती है और जिसकी वजह से वो जो है वो मूव काम करता है, वो फ्रिक्शन काम होती है सिंपल कहने के पानी, तो वो सेम जो जो फिशेज हैं ये करती हैं कि एक स्ट्रीम लाइन बॉडी है उनकी, कि जिससे जिस चीज को देखते हुए इंसानों ने जहाज ऐसे बनाए, फाइटर जेट्स हो गए या जंबो जेट्स हैं, वो इसी तरीके से बनाए कि वो एयर में उनको रेजिस्टेंस कम से कम होती है। दूसरा यह कि ये लुब्रिकेशन, ये लुब्रिकेशन से भी क्या है कि वो पानी के अंदर इनको रेजिस्टेंस कम से कम फील करनी पड़ती है। दूसरा यह कि इनकी बॉडी के अंदर स्विम ब्लैडर है, ये सिंक नहीं होती, मीन ये सिंक नहीं हो पाती, अगर जिन्होंने तेज मूव करना है फिर ये अपनी गैस निकाल देती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली ये मूव करती है। और इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के फिन्स होती हैं और फिन्स के मुख्तलिफ काम है, ठीक है, इसमें से अगर ये ना भी तैरें तो ये डूबेंगी नहीं, जबकि पिछली हमने फिश पड़ी थी वो डूब जाती है। और इसके अंदर मैंने कहा कि दूसरे मुख्तलिफ फिन्स हैं और वो फिन्स के, इसके अलावा तीसरी इसके अंदर जो अडेप्टेशन है वो इसके मसल है, मस्कुलेचर है, तो इसके अंदर इस तरीके से zigzag मसल पाए जाते हैं जो जिनको हम मायोमीर्स कहते हैं, बंडल्स को ना, ये जो zigzag फॉर्म के में ये बंडल पाए जाते हैं, ये इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है कि जो इसको मूव करने में या मसल इस तरीके से
को हेल्प आउट करने में, फिश को आगे की तरफ प्रोपेल करने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये इसकी एक अडेप्टेशन ये भी है, ये आपको नजर आ रहे होंगे मुख्तलिफ। और ये मुख्तलिफ पार्टीशन के थ्रू, जिसको हम माया और सेप्टा कहते हैं, उसके थ्रू एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है। और ये जो बंडल है ना जिगजैग फॉर्म में, ये जो मसल के, उसको हम मायोमियर्स कहते हैं। ये आपकी किताब में भी यही चीजें लिखी है, कोई अलग से नहीं लिखी, ठीक है। ये मुख्तलिफ उसने जो एग्नेथन्स के अंदर, एलेसमो ब्रांच के अंदर और टेलियोस्कोप के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो ये जो इन सब के अंदर ये मसल पाए जाते हैं इस तरीके से जिगजैग मसल। मगर जो सबसे कह लें कि डिवेल्प किस्म के, वो ये टेलियोस, ये जो मोस्ट कह लें कि मॉडर्न डे फिशेज हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं। ये देखें ये इसके फिन्स हैं, ये इसके ये फिन्स। अब आप कहें कि नहीं जी सर हमें तो किताब से पढ़ा दें, तो ये बातें कई सारी ऐसी हैं कि जो किताब में नहीं होती। तो ये किताब में सिर्फ इसलिए ऐड कर दूंगा आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये इसमें ये जो फिन होते हैं आपको फिन्स नजर आ रहे हैं, ये पेक्टोरियल फिन है, ये पेल्विक फिन है, ठीक है। ये पल्ली तरफ भी, दूसरी साइड पे भी होगा। तो इसका काम होता है कंट्रोल द पिचिंग। पिचिंग मीन जो फर्श ऊपर नीचे होती है, मूव कर दी ऊपर चली गई नीचे आ गई, ये इसके फिन्स, इन फिन्स के थ्रू ये अपनी मूवमेंट कंट्रोल करती है। और जो यैलिंग करती है, रोलिंग करती है, या याइंग करती है, मीन लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ये कंट्रोल करती है इन फिन्स के थ्रू। ये जो डॉर्सल और वेंट्रल फिन्स है, इनके थ्रू ये मूवमेंट कंट्रोल करती है। और जो इसने आगे की तरफ जाना है, पुश करना है, प्रोपेल करना है, थ्रस्ट प्रोवाइड करना है, तो वो इसका ये जो कार्डल फिन है ना, ये इसकी अडेप्टेशन भी है। ये आपकी किताब में भी लिखा है, इसकी एक अडेप्टेशन में कार्डल फिन्स भी है। तो कार्डल फिन जो है, इसका एक स्पेशल डिजाइन है। ये हमने पढ़ा है कि इस क्लास के अंदर ये एक सिमेट्रिकल शेप में पाया जाता है, और इससे एक तो रेजिस्टेंस भी नहीं होती पानी की, और दूसरा ये कि इसको आगे प्रोपेल करने में इसके अंदर स्ट्रॉन्ग किस्म के जो मस्कुलेचर, अभी आपने मायोमियर्स पढ़े हैं पिछली स्लाइडों में, वो इसको आगे प्रोपेल करने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये इनके मसल हैं, ये आप देखते हैं। और इसके अलावा छोटे छोटे फिन्स भी होते हैं, एक तो बड़े फिन्स हैं ये, और इसके अलावा आपने डॉर्स और कार्डल ये पढ़े, तो इसके अलावा छोटे छोटे फिन्स भी, फिनलेट्स होती हैं, वो भी यही काम करते हैं उसको। इसकी हम न्यूट्रिशन और डाइजेशन की बात करें, तो इसमें से मोस्टली क्या है, प्रीडेटर। इनकी खुराक की बात करें ना, इसके जो इंसेस्टर्स की बात करें, तो इसके जो मोस्टली इंसेस्टर्स थे ना, वो जो इंसेस्टर की जब हम बात करें, तो इसके इंसेस्टर मोस्टली क्या थे, फिल्टर फीडर थे या स्केवेंजर थे। फिल्टर फीडर होते हैं कि जिस तरीके से ये प्लांकटन या क्रस्टेशियन को ट्रैप करके खाते थे, अभी भी खाते हैं, या अभी हमने पढ़े जैसे अभी हमने गार पाई या ये दूसरे पढ़े, तो ये भी खाते हैं। इसके अलावा जो हैं कई सारे इनके जो थे, जो इंसेस्टर थे, वो स्केवेंजर भी थे। ये जो डेड चीजें मर्दा नीचे बॉटम पे बैठ जाती हैं, उनको खा लेते थे, ठीक है। अब भी कई सारे जैसे शार्क, कोई भी चीज मरती है वहां पे शार्क पहुंच जाती, तो इस तरीके से। मगर अब जो है, जो मौजूदा दौर में या कह लें कि मौजूदा इनके अंदर जो स्टाइल पाए जाते हैं, वो कई सारे, तो इनमें से मोस्टली मैंने कहा प्रीडेटर है, कि छोटी मछली बड़ी को, बड़ी उससे बड़ी को इस तरीके से खाती। इस तरीके से कई सारी फिशेज ऐसे हैं कि वो इनवर्टिब्रेट्स को, ये पानी में पाई जाने वाली जो भी चीज है, लिविंग चीज, उनको भी खाते हैं, जैसे क्रस्टेशियंस और बड़ी सारी चीजें जो है, मोलस्क, स्नेल, स्लग्स, ये सारी चीजें। वर्टिब्रेट्स मीन जो बड़ी फिशेज है। स्वेलो प्रे होल में, कि ये क्या करती हैं कि पूरी फिश को एक ही दफा खा लेती हैं, यानी कि दांतों का इतना कोई अच्छा किस्म का, या कह लें कि बहुत ज्यादा किस्म का यूज नहीं है इसमें, कि ये दांतों से कुतर कुतर के हमारी तरह खाती हैं, फिर उसको चबाती हैं, फिर आगे निगाती हैं, नहीं, ये एक ही दफा, जिस तरीके से सांप नहीं आपने देखा होगा कि वो पूरे ही शिकार को खा जाते, तो इसी तरीके से एक बड़ी फिश है, वो छोटी फिश को वो वैसे ही पूरे की पूरी निकल जाती है, और फिर आगे जाके उसके जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, उसमें जाके उसका जो है वो, उसकी ग्राइंडिंग होती है, उसके टीथ ग्राइंडिंग में इतना काम नहीं करते। तो ये क्या करती है कि ये दूसरा क्या करते हैं कि ये कैप्चर करते हैं, सक करती हैं, कई सारी फिश जो है जो फिल्टर फीडर है, वो सक करती हैं। सक करने के लिए क्या करती हैं, सक करती हैं, तो कई सारी छोटी छोटी फिश ऐसे, जैसे पंप के अंदर, जैसे सक्शन पंप के थ्रू मट्टी नहीं आ जाती वो वैक्यूम क्लीनर के अंदर, तो इस तरीके से कई सारी फिश उसकी बॉडी में आ जाती है। तो फिर क्या करती है, वो अपने अपर खुला को बंद कर लेती है, और उसमें से सिर्फ पानी को बाहर निकलने देती है। जब पानी को निकलने देती है, तो वो फिशेज अंदर रह जाती है, पानी बाहर निकल जाता है। कई सारे हैं जैसे गिल रेकर, ये
प्लांकन वगैरह को, क्रस्टेशन वगैरह को ट्रैप करते हैं, जैसे मैंने कहा अभी आपको एग्जांपल दिए और तस्वीरें भी दिखा, कई सारे हर्बीवोर्स भी हैं, हर्बीवोर भी जो प्लांट्स पे फीड करती है, कई सारी ऐसी हैं ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स ऐसे होते हैं जो हर चीज ही खा देते हैं, फिश भी खाते हैं, ग्रास भी खाते हैं, प्लांकटन भी खाते हैं, जड़ी शैल लग जाती है जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। ये देखें जी, ये व्हेल शार्क, ये देखें हर शाही, ये इसने लंबा सारा पंजाबी जो कहते ना सूटा लाने, सूटा लाएगा वो जैसे हुक्के को नहीं बाबे बैठे सूटे लगा रहे होते, तो इस तरीके से लंबा सारा जब ये सांस लेती है ना तो बड़ी सारी छोटी छोटी फिशेज प्लांकटन ये चीजें जो है इसकी बॉडी में चली जाती। अब क्या होगा कि उस सक्शन के थ्रू पानी भी गया, पानी जो है वो गिल्स के थ्रू बाहर निकल आ जाएगा, जो फूड अंदर गई है वो अंदर ट्रैप हो जाएगी। इसी तरीके से ये जॉइंट ग्रोपर है, ये स्विमर दूसरी छोटी छोटी फिशेज के साथ रहती है और उनको भी खाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये मुख्तलिफ फिशेज का दिखाया गया, जैसे कैट फिश है, ये प्रीडेटर है, फिश को, फ्रॉग को, इंसेक्ट को खाती है, बॉटम फीडर में ये कॉमन कार्प है, ये वर्म्स, इंसेक्ट लार्वे, स्नेल ये खाती है, जू प्लांकटन के ऊपर जो फीड करते हैं ये ओमनीवोरस करते हैं, ये इनमें से बिग हेड कार्प है, ये कॉपीपोड्स, क्लैडोसीरस, रोटी पर्स, ये कई सारे ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट फीडर जो है ये ग्रास कार्प, ये इमर्स और सबमर्ज किस्म की जो ग्रासेस को खाती हैं, ये प्लांकटन, सिल्वर कार्प, ये जो है मुख्तलिफ फिशेज के एक्चुअली क्लासिफिकेशन दिखाई गई है कि ये क्या क्या चीज खाती हैं। आगे इसकी ये आपके बुक में भी यही आप निकाल के देखें तो यही चीज निकली, वहां पे कोई और। आगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल इन फिश लिखा हुआ आपकी किताब में भी यही लिखा है, उसके ये पार्ट होते हैं, ये इसका माउथ पार्ट होता है, ये अगे इसोफेगस है, इसके बाद ये पाइलोरिक वाल्व है जो अपनी एक्सक्रीशन स्टोमिक में डालते हैं, ठीक है, सीके जो है, और इसके बाद इसका लंबा सारा ये इंटेस्टाइन है और ये रेक्टम है फिर एनस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके ये आपको नीचे भी नजर आ रहा है, ये पाइलोरिक वाल्व का मतलब जो अपनी एक्सक्रीशन, तो ये स्टमक आता है, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन लंबी चौड़ी सी होती है। ये जो कार्निवोर्स में तो ये सिस्टम थोड़ा सा छोटा होता है, मगर जैसे जैसे दूसरी तरफ चलते जाए, नीचे की तरफ आते जाए, जैसे अभी हमने ऊपर से कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, फिर एक्टोपैरासाइट और हर्बीवोर्स की तरफ आए, तो इसका सिस्टम जो है ये इंटेस्टाइन का साइज जो है वो लंबे से लंबा होता जाएगा, जैसे आप शक्लों में देख रहे हैं डायग्राम में। इसके अलावा आप बात करेंगे इसकी ओमनीवोरस, तो ओमनीवोरस के अंदर इसने बताया कि गिल रिएक्टर, गिल रिएक्टर मीन के वो ऐसे पार्ट के जिन्होंने पानी को बाहर निकालना और फूड को ट्रैप करने, तो वो ये इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं गिल रैकर, ठीक है। तो ये गिल रैक जो होते हैं ओमनीवोरस होते हैं, जिनके अंदर गिल रैक छोटे होते हैं क्योंकि इन्होंने फिल्टर फीडिंग नहीं करनी, इन्होंने पूरी की पूरी फिश निगल लेनी है, तो इनको फिल्टर फीडिंग की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए गिल रैकर इनके अंदर ये छोटे होते हैं। जबकि ऐसे जो हर्बीवोर्स हैं जिन्होंने ग्रास वगैरह खानी है या चीजें ट्रैप करनी है, उनके अंदर ये गिल रैकर ये आप देखें ये साइज में बड़े होते हैं। गिल रैकर नजर किस तरीके से आते हैं, अगर इसको खोल के देखें तो इस तरीके से, ये कार्निवोरस में ये देखें ये गिल रैकर जो है वो काफी तेज शार्प किस्म के बोनी टीथ नुमा होते हैं कि जो कुतरने के काम आते हैं उसको, ठीक है। और आगे देखें इसमें फिश में ये गिल रैकर ये एक्चुअली नजर आपको इस तरीके से आता है, ये इसका स्ट्रक्चर है गिल रैकर का, तो आपको दिखा है। अब ये आपकी किताब में ये तस्वीरें नहीं है, फिर आप कहेंगे हमें वहां से समझ नहीं आती, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम निकाल के दिखाया गया, इसकी एनाटॉमी, स्टमक, पाइलोरिक सीके, एंटीरियर और मिडल, ये सारी इंटेस्टाइन और ये बाद में रेक्टम है, ठीक है। ये पाइलोरिक सीके ये मुख्तलिफ फिशेज में मुख्तलिफ शक्लों में नजर आते हैं, ये इसमें ऐसे और इसमें ऐसे मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर, इसलिए आपको दिखाना वाजिब है। इसके अलावा इसमें एक स्पाइरल वाल्व होते हैं निचली साइड के ऊपर, और इस स्पाइरल वाल्व के अंदर जो है जो एक फूड है ना वो फाइनली ये इसका जो इंटेस्टाइन का निचला हिस्सा होता है, पिछला हिस्सा होता है, ये देखें जी स्पाइरल वाल्व, इसमें क्या है कि अब इसके अंदर जो है फाइनली फूड अपने बेसिक पार्ट में नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में, कैल्शियम में, उनमें ब्रेक डाउन होती है, यानी कि वो छोटे छोटे पार्ट में फाइनली यहाँ पे आके अब्सॉर्ब होती है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं स्पाइरल वाल्व। और ये वो स्पाइरल वाल्व दिखता किस तरीके से है वो देखिए, इसका ये पिछला यानी कि ये सबसे एंड वाला पार्ट वो इस तरीके से जिगजैग पार्ट होता है, ये आप देखें इस शक्ल में, ठीक है, ये इसकी जो है स्पाइरल वाल का। आगे इसकी सर्कुलेशन का सिस्टम क्या है, जिसके अंदर सर्कुलेशन कैसे होती है, तो इसके अंदर दो चैम्बर हार्ट होते हैं,
यानी कि क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में पीछे आप जितने ऑर्गेनिज्म आप पढ़ के हैं इस सब्जेक्ट में या पिछले में, वो सारे के सारे क्या थे, उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें दो चैम्बर हार्ट होते हैं, मगर जो है कि यहाँ से ये देखें इसके जी आवाज आ रही है ना आपको, तो ये जो है हम बात कर रहे थे, इधर वापस आ जाए, ये थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट हो गया, तो ये मैं बात कर रहा था कि इसके अंदर दो चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये मैं इसमें बता दूं, ये उन फिशेज में जो आम फिशेज है इनके अंदर सिंपल दो चैम्बर हार्ट होते हैं, एक अट्रियम होता है, आरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। और ये आप शक्ल में देख सकते हैं कि जो बॉडी से सारा ब्लड आता है वो आरिकल में आता है, आरिकल आगे इसको वेंट्रिकल में सेंड कर देते हैं, और वेंट्रिकल में ये सारा जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आगे जो है गिल्स की तरफ जाते हैं, और गिल्स फिर दोबारा गिल्स से होकर पूरी बॉडी में चला जाता है, ये इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है कि ये दो चैम्बर हार्ट है, इसमें सिर्फ सिर्फ गिल्स की मदद होती है, मगर ये देखें ये नीचे फिश जो हमने पढ़ी थी वो लंग फिश का हमने पीछे पढ़ा था, इसमें थोड़ा सा सिस्टम एडवांस हो गया, इसमें गिल्स भी होती है और साथ में लंग्स भी होता है। अब क्या हुआ है कि इसके अंदर अब दो आरिकल बनेंगे, लेफ्ट आरिकल में ये ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और राइट आरिकल में ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, यानी कि उसकी थोड़ी सी डिवीजन हो गई, यानी कि आरिकल एक के बजाय दो बन गए। तो जब पानी में होते हैं तो ये गिल्स के थ्रू जो रेस्पायर करती है, मगर जब खुश्क हो जाए, पानी खुश्क हो जाए, तो ये जो लंग फिश है ये हम पीछे पढ़ के हैं इसी क्लास के अंदर, वो लंग फिश में फिर इसका वो काम करना छोड़ देते हैं, गिल्स फिर इसका लंग्स काम करना शुरू कर देता है, हवा आग से जो ऑक्सीजन है मड के अंदर या ये ओपन है तो उसके थ्रू ये सांस लेना शुरू करती है, वेंट्रिकल इसमें एक ही है। तो ये आगे जो है सिस्टम इस तरीके से है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस किस्म का सिस्टम है, और ये एक्चुअली जो है ये मुख्य तस्वीरों में भी दिखाया गया है, तो ये देखें जब गिल्स हैं तो गिल्स काम करेंगे, उसकी तरफ जो है ये देखें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, मगर जब गिल्स नहीं है, पानी में है ही नहीं, पानी खुश्क हो गया, जैसे हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और डेजर्ट इलाकों में ये पाए जाते हैं सख्त, जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, तो जब पानी खुश्क हो जाता है तो ये गिल्स के बजाय ये देखें यहाँ से ये नाली मुड़ जाती है लंग्स की तरफ, फिर लंग्स जो है अपने जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना ये काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ किताबों से ली हैं, ये दिखाई हुई हैं कि ये भी ये देखेंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में लंग्स में, लंग से फिर आगे वो ऑक्सीजनेट होकर फिर आगे दूसरी जगह पर जाते हैं, ये इसका दिखाया गया है, ये इसके ब्लड की डिवीजन, और ये देखें साइनस वेन्यूसिस में आते हैं सबसे पहले ब्लड जो टेलियोस ऑस्ट जो फिशेज हैं, फिर इसमें आर्टिकल में आता है, आर्टिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से बल्बोलस आर्टिबियोसिस में जाता है, मीन सिर्फ एक आर्टिकल होता है एक वेंट्रिकल होता है, टू चैम्बर हार्ट है। ये आगे इसका थोड़ी सी कंपैरेटिव एनाटॉमी दिखाई गई है कि देखें फिश जो है वो इनके एंसेस्टर, फिश से आगे ये देखें फ्रॉग में फिर आगे दो आर्टिकल और एक वेंट्रिकल बनता है, फिर आगे आगे देखें दो आर्टिकल और टर्टल और ये लिजर्ड में ये है, फिर क्रोकोडाइल में दो आर्टिकल दो वेंट्रिकल, फिर आगे ये दो, मगर शुरू यहाँ से हुआ, ये इसकी लीनियज दिखाई गई है, इसको हम कहते हैं। और आगे जो है गैसेस एक्सचेंज का ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो कोई भी हो आप मुझे सेंड कर दें, ग्रुप में सेंड कर दें या वैसे जो है पूछ लें, यहाँ तक कोई बात है तो ये मैंने फाइल आपको सेंड कर दी थी सुबह।